वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। से ये हम बना रहे हैं गणेश जी का भोग, और एक खास स्पेशल भोग है हमारे यहाँ, सभी इसे घर पे बनाते हैं, और हम गणेश जी को इसी का भोग लगाते हैं, फिर इसी का प्रसाद जितने भी ग्रीन उड़ सन्नाटा के लोग हैं सबको दिया जाता है। तो ये बन रही है खिचड़ी, खिचड़ी बना रहे हैं लोग। आप खिचड़ी में क्या क्या डाला आपने, कैसे बनाया? खिचड़ी में सब्जी डाला है, गोभी, फूल गोभी और गाजर, बीन्स और चावल और दाल बस। गणेश जी को तो बहुत पसंद आएगा। इसमें थोड़ा सा काजू किशमिश भी, ड्राई फ्रूट्स डाला है। अच्छा, बस। और इसमें खिचड़ी और हमने क्या क्या बनाया है, और ये तो गणेश जी देखकर बहुत खुश होंगे। पांच तरह का भाजा है, क्या क्या भाजा है? बैंगन है, परवल है, आलू है, भिंडी है और कद्दू। अच्छा, कद्दू तो खट्टा मीठा भी होगा, उसमें मिठास थोड़ी आ जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। आज गणेश जी बहुत खुश होने वाले हैं। और ये तो कुछ मीठा लग रहा है मुझे। हाँ, ये चावल का है, पायस बोलते हैं हम लोग। ये दूध, चावल, चीनी और काजू किशमिश, ये सब देके घी डाल के सब बनाया है। अच्छा, इसमें घी अलग से ऐड करते हैं? नहीं, घी पहले हम लोग घी डालते हैं, उसके बाद थोड़ा सा भून लेते हैं, उसके बाद हम लोग दूध देते हैं, उसमें मिल्क देते हैं। बंगाली पायस तो बहुत फेमस है। और इसमें तो बहुत तरह की सब्जी लग रही है मुझे। हाँ, इसमें बहुत सारी सब्जी है। इसको मिक्स वेज कहते हैं बंगाली में, लबड़ा कहते हैं, लबड़ा सब्जी। अच्छा। तो इसमें साग है, पुई साग और ड्रम स्टिक है, इसमें बंद पत्ता गोभी गोभी है, गाजर है, बीन्स है और आलू है, बैंगन है और तोरई है, सब कुछ, बहुत सारी सब्जी, मूली है और मीठा आलू होता है ना, शकरकंद, शकरकंद। अच्छा, वो पूरा को ब्लेंड कर देता हूँ, फ्लेवर को एक साथ ला देता हूँ, एक साथ सब मिला के, और ये फोड़न, पांच फोड़न के साथ और लंका के साथ, मतलब मरीच के बीच के साथ बस, और थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा वो जो रेगुलर मसाला होता है, और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, टर्मरिक पाउडर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और ये टमाटर की चटनी है, बहुत ही फेमस चटनी। हम जब छोटे थे ना तो पार्टी में जाते थे इस टमाटर की चटनी को खाने के लिए। हाँ, इसमें आमसत्तू, टमाटर और ड्राई फ्रूट्स होने के बाद ऊपर से नींबू निचोड़ के देते हैं। अच्छा, नींबू देते हैं। हाँ, लास्ट वाला नींबू देने से वो खट्टा मीठा और अच्छा, वो जो फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा, मतलब बैलेंस करता है ये नींबू। बंगाल में आप लोग जो खिचड़ी बनाते हैं ना, किसी स्टेट में खिचड़ी इतना अच्छा नहीं बनता है। इस खिचड़ी के साथ इस टाइप का चटनी बहुत मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, गणेश जी को अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। हाँ। इतना सा आपने भोग का बनाया है, बहुत ही श्रद्धा के साथ बनाया है, लेकिन इसके में टाइम तो बहुत लगा होगा क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। तो आपने कितने बजे से बनाना शुरू किया? सुबह सात बजे से शुरू किया है। अच्छा, पूरा काटना था, फिर मसाला बनाना था, ये सब कुछ करना था, फिर आस्ते आस्ते धीरे धीरे अभी तक हो रहा है, होने से ही हम लोग का पूरा कम्प्लीट हो रहा है। बहुत अच्छा। और भोग का समय हम लोग का एकदम, आपका पूरा खाना भोग के हिसाब से समय से बन गया, और हम लोग ग्रीन उड़ सन्नाटा में इसी तरह मिलजुल कर सब काम करते हैं, और सब काम का बहुत, पर्व का, त्योहारों का बहुत ही आनंद लेते हैं। ये हमारे ग्रीन उड़ सन्नाटे की एक बहुत खास खूबी है। आज शाम को भी हम लोग भोग लगाएंगे, एक बड़ी सी पार्टी है, अगर हो पाए तो मैं आपको उसका भी वीडियो शेयर करूँगी। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया।